मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, राजस्थान चूरू का रहने वाला हूँ। चूरू जिले के बारे में कहा जाता है सर्दियों में सबसे ज्यादा ठंडा, गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म रहता है। अपने आराध्य देव हनुमान जी का सालासर धाम बहुत लोकप्रिय है, श्रद्धा है सबकी। गोगा जी का धाम जाहर पीर मोहम्मद गजनवी से जो लड़े थे उनका मंदिर भी चूरू में है। चूरू से कन्हैयालाल सेठिया हुए हैं जिन्होंने धरती धोरारी नाम से गीत लिखा है, पाथल और पिथल लिखा है। एक बार जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे और अपने पुत्र को एक घास की रोटी बनाकर दी थी और वो भी कोई बिलाव लेकर चला गया था, इस विषय को उन्होंने एक कविता के माध्यम से कहा है कि अरे घासनी रोटी ही जद बन बिलाव डोले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो, राणा रो सो यो दुख जाग्यो, को लड़ो घणो हूं सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने हूं पाछ नहीं राखी रण में, बेरिया रो खून बहावण ने, पर आज बिलगतो देखूं हूं जद राज कंवर ने रोटी ने, तो क्षत्र धर्म ने भूलू हूं भूलू हिंदवाणी चोटी ने, मेला में छप्पन भोग जी का मनवार बिना करता कोनी, सोनारी थाली नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी, बे आज फिर भूखा तिसिया हिंदवाड़ सूरज राटा हुआ। ऐसा चूरू जिला जहाँ से कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से निकली है, देवेंद्र झाझड़िया जहाँ से एक खेल रत्न लेकर के आया है जो एक हाथ उनके नहीं है उसके बावजूद उन्होंने अपना जो परचम है वो लहराया है, काले हिरणों के लिए अपना है, पूरा राजस्थान जिसकी बात कर रहा है। मेरी हॉबी है, मैं लिखता हूँ व्यंग्य, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से मधुमती नाम से एक मैगजीन निकलती है जिसमें कई मेरे जो व्यंग्य है वो प्रकाशित हुए हैं, कविताएं सुनना और जो भी छोटा हो या बड़ा हो कभी कोई नाराजगी होती है किसी के प्रति उसे प्रेम देना, प्रेम बांटना, मेरा आप सबसे संदेश जब कभी भी हम मिले जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक ना कहकर जय भारत जय हिंद, ये भी संदेश है।